पहला भी माँ कालेश्वर मंदिर का। और ये देखो कोमल दीदी और आ गए घर पे। ये कितने किलो बनेगा कौशल भैया? 7-8 किलो। कितने किलो दूध का भाई? आप सबका मेरे नए ब्लॉग में, मैं अभी आज सुबह बपौर से सांगोद आ गया था। जल्दी आ गया था क्योंकि बेच वेच पढ़ाने थे, 9 बजे 9 से 11 पढ़ाना था मेरे को। उसके बाद में कोमल दीदी और भी आ गए घर पे, तो बताऊंगा अभी घर पे जाता हूँ। अभी तो मंदिर आया था भैया, आज 12 ही बज गए पूरे, मतलब लगभग 12 ही होने वाले। अब जाके ना कि फ्री होकर मंदिर आया हूँ, क्योंकि वहाँ से तो बिना ना ही आया था। तो ब्लॉग पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अभी घर पे जाता हूँ। आया और ये सुबह के समोसे रखे थे, मैं अब खाऊंगा क्योंकि अब तो ठंडे भी हो गए, पर खाऊंगा सही। और ये देखो कोमल दीदी और आ गए घर पे। कल ही आए थे ना तुम लोग? बोलो तेरी मेरी शर्ट एक ही बता ना। आज भी है? हाँ। तीन ने भाई, आजकल वैसे भी तुम्हें पता ही है मैचिंग पहनने का चल रहा है भाई सिस्टम। अब हम तोड़ेंगे जामफल। अरे फुल मैचिंग करते ही मैचिंग भाई। ये ताई जी का पेड़ है, मतलब ये ताई जी के यहाँ पे उग रहा है। देखो खूब सारे जाम पल आ रहे हैं, देखो खूब सारे जाम पल। अभी मेरे को तोड़ना है तो मैं छोड़ देना। इनको भी है, इनको भी ये बता दे किधर है। बोल ये रहा, ये हाथ लगा दे। पक गए ना ये? जोर भी नहीं लगा। के बाद में भैया अब हम जा रहे हैं दही लेने। मैं दही लेने आया हूँ। और ये देखो पनीर ऐसे बनता है, मतलब वो दूध को फाड़ दो पहले, उसमें नींबू वगैरह का जूस डाल के, और फिर उसके बाद देखो ये छान छान रहे अभी से। इंटरेस्टिंग है भाई बहुत ज़्यादा। ये कितने किलो बनेगा कौशल भैया? 7-8 किलो। कितने किलो दूध का? 40-50 किलो दूध का 7-8 किलो पनीर बनता है भाई। चलो चलते हैं बंदा घर पे। अब हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए और हम जा रहे हैं बाइक से। वहाँ पे केशव मिलेगा, केशव भी हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ जा रहा है दर्शन, जिसका नाम है दर्शन वैष्णव, ये लक्की बा का स्टूडेंट है। तो हम सीधे कोटा ही मिलते हैं, क्योंकि मेरा ये जो ब्लॉग है इसमें पूरी जर्नी भी दिखानी, तो ये ब्लॉग लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसमें अब कुछ ही चीज़ें बताऊंगा। आ गए और कोटा आने के बाद में बारिश हो गई, कपड़े गीले हो गए, सब कुछ हो गया। और ये रही देखो हमारी बस, इस बस में हम जाने वाले हैं। अभी हमारा जो सीट है वो सीटिंग है, मतलब हम स्लीपर में नहीं जा रहे हैं। बस नंबर ये रहा AR01 बाबू की बस है। हमें उज्जैन ये करीबन 5 बजे सुबह उतार देंगे। हाँ हाँ डाल रहे हैं बस। तो मैं अंदर से बताता हूँ भाई बस कैसी है। तो ये रही देखो भैया हमारी सीट हो गई। अबे तू तो चल भी नहीं रहा साले। ये स्लीपर है, स्लीपर हमने कराया नहीं क्योंकि स्लीपर शायद वो भी नहीं रहा था, बुक्ड है सारे के सारे। चार्जिंग वगैरह की सबकी फैसिलिटी है, ये रहा देखो। और एयर कंडीशन तो बढ़िया है, 400 रुपये उज्जैन तक के। इंदौर के भी सेम है, यानी इंदौर भी 400 में ही है कोटा से, और उज्जैन भी आप 400 रुपये का फाड़ लेंगे आपका। अभी लक्की भाई कुछ लेने गए हैं खाने का, क्योंकि भूखे बैठे हैं भाई। सिर्फ 20 रुपये की पता सी गई है, तीनों ने 20-20 रुपये की। और इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच आशा करता हूँ आप देख ही रहे होंगे, तो मजे आ रहे हैं उसको देखने में भी। मतलब अजय भैया और ये अनुभव भैया तो जा रहे हैं, अनुभव भैया केशव भैया गवा रहे थे। ये केबिन है देखो गाड़ी की, इसमें ना जब रूट बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, ना सवारी आएगी ना उतरेगी, तो सुसनेर के बाद में वैसे भी ज्यादातर रोड करते नहीं है इस वाले रूट पे लोग। शोएब सुसनेर भी बहुत दूर बता रहा मैंने, झालावाड़ के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई आता होगा। आता होगा तो फिर वो टिकट वाला बेल जी तो नहीं रहता, वो बस ऐसे ही रहता है, बस साथ दे दी रुका ली बैठ गया ऐसा। शोएब सुसनेर में बाकी लंबा वो लेते हैं, ये स्टॉपेज होल्ड सबसे लंबा शोएब सुसनेर का ये ना, क्योंकि ये खाना खाएंगे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों। रहे खाने में हमने कुछ भी नहीं खाया, अगर पकौड़ी खाएंगे इसको खा लेता हूँ मैं, और फिर करता हूँ बात तुम लोगों से जर्नी में क्या क्या देखने वाले हो भाई। बस जल्दी और लेट हो गए थोड़े से आज चलने में ये लोग, थोड़े से 1 घंटे लेट हो गए। कुछ नहीं, 5-10 मिनट का पर गए आएगा। ये हमारी सीटिंग है, मैं बैठा था यहाँ पे मस्ती से, कहता भाई आया और कहता है अपनी अपनी जगह पे बैठो सब, अपनी अपनी जगह पे बैठ गया। यार लक्की भाई ये चाहते क्या हुआ? कौन कौन बेटे, कौन कौन है लड्डू ले भाई? 11 साल, थोड़ी 13 साल भाई।
हर हर महादेव। अभी हमारी बस रुकी है कलावाज, और अभी हम टॉयलेट करने का जगह ढूंढ रहे हैं। वो रही उधर तो लक्की भाई, और तो पहले ही उतर गए, और इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस हम दोनों की तरफ से, पूरे भारतवासियों को हमने कर दिखाया, उन्होंने कर दिखाया। भाई रोहित शर्मा भाई ब्रिलियंट कैप्टन है भाई, वो बहुत तगड़ा कैप्टन है सच में, बहुत तगड़ा। और तो बस विराट तो विराट है ही सही यार, क्या ही वो लूज बनेंगे, बट स्पेशली सूर्य कुमार ने वो कैच नहीं, वो वर्ल्ड कप पकड़ा भाई, क्या ही फैंटाबुलस हाई लेवल टॉप नॉच लेवल का कैच था वो यार। अरे ऐसी प्रेशर सिचुएशन में हमारी बस झालावाड़ से निकल गई, और अब मैं थोड़ी सी देर सो लेता हूँ, और जहाँ भी मैं उठूँगा मैं बताता हूँ देखिए कहाँ पे उठता हूँ, मतलब जहाँ पे भी आप खुलती है बताता हूँ। तो जेल तो हम वही शाम पे सुबह 5:30 या 5 बजे तक पहुँचेंगे। 4 बजे 4 बजे लेट चलिए यार, 10:05 हाँ देखते हैं, 4 बजे पहुँच जाते हैं तो बहुत बढ़िया, 5 बजे पहुँचेंगे तो भी बहुत बढ़िया, पहुँचना तो जेल ही है। तो भाई अभी हमारा स्टॉपेज आया है, ये कहीं रुके हुए, रात के भी बज रहे हैं 1 बज, मतलब 1:45 बज गए थे। खुद तो लोकेशन है भाई सोयत सुसनेर, वही जो होता है सोयत सुसनेर रुकती है इंदौर वाली गाड़ियाँ ज़्यादातर। तो अभी पानी वानी पी लेता हूँ और वापस बस में बैठ जाता हूँ, और तो क्या ही करूँगा यार, बस ये होटल वगैरह है सर, मतलब इनकी टाई अप रहती है तुम्हें पता ही है ड्राइवरों की, तो इन्होंने यहाँ पर आकर रोकी है। बस तो कितनी प्रीमियम है ये वाली, लग्जरियस मस्त, ये वाली नहीं हमारी उसके उधर वाली है, मैंने बताई था फर्स्ट में। तो भाई अभी रात के बज रहे 4:45 और हम उतर गए उज्जैन, और अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर जी के मंदिर। तो हमने भी यहाँ पे रूम लिया है जस्ट मेरे लेफ्ट साइड में, इस शॉट को मैं चेंज नहीं करूँगा, ये पहला व्यू है मेरा दूर से था, मैं रिकॉर्ड थोड़ा पास से कर रहा हूँ, ये मेरा पहला व्यू है महाकालेश्वर मंदिर का। तो जय श्री महाकाल, इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अगले व्लॉग में तुम देखने वाले हो कल मेरा पूरा उज्जैन ट्रिप और महाकालेश्वर दर्शन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही प्यार देते रहो बस। जय महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।